हेलो फ्रेंड्स, मैं आपको ब्लाउज का डिज़ाइन बता रही हूँ। देखिए, ये हमारा 10 इंच का ब्लाउज है और चौड़ाई हम यहाँ से 5.5 इंच लेंगे शोल्डर और गले के लिए। देखिए, यहाँ से 5.5 इंच और यहाँ से 6 इंच हमारा बाजू रहेगा और 1.5 इंच पे हम गोलाई दे देंगे ऐसे। अब इसे कट कर रही हूँ। अब इसको हम कपड़े पर रख करके इसके नापी से ही कट कर लेंगे। देखिए, ऐसे दोनों जॉइंट एक साइड में होना चाहिए, ये केवल ध्यान देना है। और ऐसे मार्क लगा करके आप कपड़े को भी कट कर लेंगे ऐसे। और देखिए, मैं ऐसे अब गला का डिज़ाइन बता रही हूँ। गला हमारा 10 इंच रहेगा, चौड़ाई हमारा 2.5 इंच रहेगा दोनों को मिलाते हुए। हम यहाँ से 2.5 इंच लगा करके और यहाँ पे हम सर्कल बना लेंगे ऐसे। अब देखिए, हम ऐसे हल्के से गोलाई घुमाकर, इधर भी थोड़ा सा घुमाकर ऐसे हमको शेप देना है। देखिए, इसी तरह कट भी कर लेना है। और देखिए, दोनों को अब एक ही में ऐसे करके सिलाई कर लेनी है। अच्छे से मिलाते हुए दोनों को सिलाई कर लेना है। देखिए, और हम छोटा छोटा कट्स भी लगा देंगे कि जब भी हम इसको पलटें तो हमारा अच्छे से फिनिशिंग आ जाए। जहाँ पे गोल राउंड है वहाँ पे थोड़ा थोड़ा ऐसे कट लगा देंगे। और नीचे का साइड भी हमको सिलाई कर लेना है। देखिए, 1/2 इंच छोड़ते हुए सिलाई कर लेना है, क्योंकि 1 इंच ही हम एक्स्ट्रा कपड़ा ली थी। अब ऐसे करके हमको पलट लेना है। देखिए, इसे अच्छे से ऐसे मिला करके अब कॉर्नर पे सिलाई लगा देना है, चाप सिलाई। अब हम आपको डिजाइन बता रही हूँ। ये हमारा हो गया ब्लाउज का। अब यहाँ से लेंगे हम 3 इंच का चौड़ाई और लंबाई में एक चरकोर कपड़ा लेंगे। देखिए, अब इसे कट करके हम इसी से डिजाइन बताएंगे। देखिए, हाथ की मदद से ऐसे हमको ऐसे डिजाइन बनाना है। देखिए, ऐसे डिजाइन बनाकर छोटी छोटी चुन्नट के साथ इसे हम सारे पकड़ लेंगे ऐसे। और यहीं पे हम सिलाई लगा देंगे। इसी तरह हमें ढेर सारे बना लेना है। हमें आधे गले को नाप करके डिजाइन बना लेना है, आधे गले में ही लगेगा। देखिए, और हमें 1.5 इंच की चौड़ी पट्टी कट करके, देखिए ऐसे 1.5 इंच पे हमको इतना ही चौड़ी एक डोरी बनानी है।
देखिए ऐसे फोल्ड करके हमें एक डोरी बनाकर पलट लेना है। देखिए अब हम इसे बीचों बीच में ऐसे मार्क लगा दिए हैं और यहाँ साइड में हम सारे डिजाइन को सेट करेंगे। देखिए ऐसे ही हम कॉर्नर पे सिलाई लगा करके सारे डिजाइन को सेट करेंगे। हेलो फ्रेंड्स, अच्छा लगे डिज़ाइन तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और घंटी को भी दबा दीजिएगा कि कोई भी नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। देखिए इसी तरह सारे डिज़ाइनों को ऐसे सेट कर लेना है और नीचे तक भी ऐसे आधे में यहाँ तक भी सेट कर लेना है। देखिए अब दूसरी साइड, देखिए जो डोरी मैं पलट कर ली थी 1.5 इंच का, वहाँ यहाँ कॉर्नर पे जो सिलाई दिख रहा है वहीं पे हमें सिलना है। देखिए हमें साइड में ही सिलाई लगाना है, ऐसे एक सिलाई दूसरे साइड भी लगा लेना है जिसे पूरे अच्छे से सेट हो जाए लेस के जैसा। ऐसे गोलाई देते हुए हमें सेट करना है। देखिए यहाँ तक नीचे तक सील करके लाएंगे और इसके साइड में फिर एक और सिलाई लगा देंगे कि अच्छे से सेट हो जाए। देखिए फ्रेंड्स अब दूसरे साइड हम डिज़ाइन एक बता रही हूँ लेस द्वारा। देखिए यहाँ कॉर्नर पे हमें लेस लगाना है यहाँ तक डिज़ाइन के पास तक। देखिए इसी तरह सील करके डिज़ाइन के पास तक लाएंगे गोल राउंड में घुमाते हुए। दूसरे साइड को जो डिज़ाइन है चाहे तो आप दूसरे कलर का भी यूज कर सकती हैं। मैं सेम कपड़े को लगाई हूँ क्योंकि हमें ज़्यादा चटक नहीं चाहिए था। आपको ज़्यादा ऐसे चटक चाहिए तो आप दूसरे कलर का यहाँ पे लगा सकती हैं, बहुत अच्छा दिखेगा। मैं कपड़े कलर का लगाई हूँ क्योंकि हमें सिंपल ही कलर चाहिए। और जहाँ पे ये मार्क लगाई हूँ वहाँ पर एक और लेस लगाना है। देखिए ऐसे कभी भी हम लेस पर डबल सिलाई, दोनों साइड में लेस पे हम सिलाई लगा देंगे तभी हमारा अच्छे से सेट होगा।
देखिए कितना अच्छा डिज़ाइन हो गया। यहाँ पे हम 5 इंच के लंबाई पर हम टेकिंग देंगे नीचे। पहले हम टेकिंग लगा करके ही नीचे लैस कभी भी लगाना चाहिए। देखिए ऐसे नाप करके हम ले सकते हैं। देखिए अब यहाँ पे हम नीचे लैस लगा देंगे और अच्छा दिखेगा। देखिए यहाँ कॉर्नर पे पकड़ते हुए वहाँ थोड़ा छोड़कर लगाएंगे क्योंकि हमारा वो सिलाई में चला जाएगा। हेलो फ्रेंड्स, अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। शकुंतला देवी स्टिचिंग 2021 मेरा चैनल है। यहाँ पे देखिए हर डिज़ाइन में हम गोल्डन मोती लेकर के एक एक मोती भी लगा देंगे जिससे हमारा डिज़ाइन का लुक और अच्छा दिखेगा। देखिए हम आपको दो टक करके दिखा रही हूँ। इसी तरह सारे डिज़ाइनों में मोती लगा लेना है। ये डिज़ाइन सिलना बहुत आसान है। देखिए बहुत कम समय में आप सिल सकती हैं। देखिए सारे मोती को सेट कर ली हूँ। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।